रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग में देश का वल्लभ और वीरता संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन किया है। साथ ही भारत चीन के एलएसी के साथ सामान्य स्थिति के लिए सहमति की घोषणा की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा और मेजर लांगनाओ बॉब काथिंग के वीरता संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम तेजपुर असम के चार कॉम्पर्स मुख्यालय में आयोजित किया गया। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में मुद्दों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु का उल्लेख भी किया। भारत और चीन ने एलएसी के साथ सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए एक व्यापक सहमति जो है वो प्राप्त की है। स्वतंत्रता के बाद 560 से अधिक रियासतों के एकीकरण में पटेल का योगदान जो है उसकी वो एक सराहनीय योग है। देश का वल्लभ प्रतिमा प्रेरणा का एक प्रतीक है जो हमें एकता में शक्ति और समेकित राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक संकल्प की याद दिलाती है। मेजर बॉब काथिंग को भी श्रद्धांजलि देने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा और एकीकरण में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जो मेजर काथिंग को त्वांग के शांतिपूर्ण एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और सशस्त्र सीमा बल नागालैंड और सशस्त्र पुलिस और नागा रेजिमेंट में इनकी जैसी महत्वपूर्ण सुरक्षा जो है वो ढांचे की स्थापना के लिए जाना जाता है। और राजनाथ सिंह ने पूर्वोत्तर में सशस्त्र बलों की व्यापक सहभागिता की भी प्रशंसा की है, जिसमें एनसीसी के साथ सहयोग, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और आपदा राहत प्रयासों के लिए समर्थन शामिल है। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री श्री किरण रिजिजू समेत कई नेता मौजूद रहे।